हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज का कोई ब्लॉग नहीं है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एटीएम है, यहाँ पर ये रूम बना हुआ है, यहाँ पर इधर एटीएम है और यहाँ पर ये जो पासबुक एंट्री की मशीन है और यहाँ पर है कैश जमा कराने वाली। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज की इनकी मशीन कैसे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। वैसे ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही हाल होता है इनका। आज आपको लाइव दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ पैसे यहाँ पे जमा कराने आए थे, तो आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें हमारा जो काम है वो होता है या नहीं होता है। ये देख सकते हो आप, क्या लिखा आ गया, हार्डवेयर एरर, प्लीज़ वेट। तो ये मशीनों का यही हाल होता है हमेशा। ये डिपॉजिट वाली मशीन है, ये आपकी पासबुक एंट्री वाली है, ये भी ख़राबी रहती है मोस्टली। और ये है हमारा एटीएम का मशीन, ये भी ऑलमोस्ट ख़राब ही रहता है, कभी कभार ही चलते हैं। बस 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में ये 24 दिन ख़राब होती हैं, 6 दिन ही चलती होंगी। ये देखिए, अभी आपको दोबारा दिखा देते हैं, दोबारा प्रूव करके दिखा देते हैं। तो हम पैसे तो सारे दे रहे हैं, ट्रांजेक्शन के भी, डिपॉजिट के भी पैसे पूरे दे रहे हैं और एटीएम चार्जेस भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, कॉपी जो एंट्री होती है उसके भी चार्जेस देते हैं, लेकिन उसका हमको बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम दोबारा एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर किसी बंदे की अर्जेंट हो, उसने चेक लगाया हो और ये मशीनी काम ना करे, उसका तो चेक रिजेक्ट होगा ना, सीधे ही बाउंस होगा चेक। गलती किसकी होगी, ऑनर की होगी, उसका तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग सिस्टम अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो, हार्डवेयर एरर। सो दोस्तों, ये सिस्टम है हमारा बैंकिंग का। हम पैसे जितने मर्जी दे दें, बैंक वाले अपने हिसाब से बढ़ाते रह रहे हैं, हर बार पैसे बढ़ा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा रहे हैं हमारे। हमारा जो डिपॉजिट वगैरह है, चाहे एफडी हो चाहे कुछ भी हो, उस पे जो इन्होंने इंटरेस्ट है हमको देना कम कर दिया है, लेकिन अपने चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमको सहूलत फिर भी नहीं मिल रही है। सो आप बताइए दोस्तों, आपके इलाके में, आपके शहर में एटीएम का, बैंकिंग सिस्टम का कैसा हाल है? ऐसा ही हाल है या फिर वहाँ पर हालात सुधरे हैं? हम तो यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं ज़्यादा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।